भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी। और दोस्तों, हम आप और सारा हिंदुस्तान जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे इस हिंदुस्तान की मानी जानी शख्सियत, हिंदुस्तान के माने जाने विद्वान और इस वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी और उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कल्ला जी मिश्र, आदरणीय टंडन जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, श्री अमित शाह अखिल भारतीय महामंत्री, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहुत दिन से बनारस में हम सार्वजनिक सभा देखत है, लेकिन इतना बड़ सार्वजनिक सभा हम कब्बो नहीं देख ले रहे। हमार पैदाइश ही बनारस में भईल हो, बनारस में हम पढ़ाई लिखाई भी कैले हई, बचपन से ही बनारस में आवत जात है, बहुत नेताओं का सभा देख ली, लेकिन ऐसा हम नरेंद्र भाई का जैसन सभा देखत है वैसन सभा हम कब्बो नहीं देख ली। आज हमारे जन्मभूमि पर, हमारे जन्मभूमि पर, अरे चुप रह, बैठ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुमने बोलो, शांत हो जाओ। आज हमारे जन्मभूमि ये बनारस में यदि नरेंद्र भाई आयल हुआ तो हम सबसे एक हाथ भी नीचे न रहे कि चाहिए, एक बार हम भी अपनी तरफ से इस वाराणसी की पवित्र भूमि पर नरेंद्र भाई का हार्दिक स्वागत करत है, हार्दिक अभिनंदन करत है। मेरे बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि वाराणसी यह हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। कहा यह जाता है कि इतिहास से भी पुराना और परंपराओं से भी पुरानी यदि कोई नगरी इस विश्व में है तो उस नगरी का नाम वाराणसी है। और वाराणसी में आज यह अद्भुत दृश्य देखने के बाद सचमुच मेरा विश्वास है, वही पक्का हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 272 सीटों पर विजय प्राप्त कर श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। वाराणसी के बारे में यह भी नजीर वाराणसी ने कहा है, खाक भी जिस जमी का पारस है, शहर मशहूरो बनारस है। यह बनारस के बारे में नजीर वाराणसी ने कहा है, शिक्षा, मेधा और विद्वत्ता के मामले में सारी दुनिया की मानी जानी यह प्राचीनतम नगरी, यह हमारी और आपकी नगरी यह वाराणसी है। बहनों भाइयों, भगवान बुद्ध को भी ज्ञान यदि प्राप्त हुआ तो इसी वाराणसी के पास के स्थान सारनाथ में ही भगवान बुद्ध को बोध हुआ था, भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप सभी जानते हैं यही बनारस तुलसी जी की धरती है, यही बनारस कबीर की धरती है, यही बनारस रैदास की धरती है और यही बनारस गंगोत्री है पंडित रविशंकर जी की। यह बनारस की महत्ता है और बनारस की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि यहां पर बहनों भाइयों, चाहे हिंदू रहा हो, मुसलमान रहा हो अथवा किसी भी जाति पंथ और मजहब का व्यक्ति क्यों न रहा हो, सबके अंदर भाईचारे का रिश्ता रहा है। आज के अवसर पर मैं उस बिस्मिल्ला खां को भी नहीं भूल सकता कि 15 अगस्त 1947 को जब आजादी प्राप्त हुई थी तो बहनों भाइयों, लाल किले से यदि पहली बार शहनाई बजाकर सारे हिंदुस्तान को एक पंथ निरपेक्षता का संदेश देने का काम किया था तो इसी वाराणसी के बिस्मिल्ला खां ने ही वह संदेश दिया था। यह हमारा बनारस गंगा के किनारे बसा हुआ है, हमारी गंगा को आज मैली बनाने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र भाई।
और गंगा का क्या महत्व है, यह केवल बनारस वालों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के लोग भी इस गंगा के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। हमारी गंगा प्रदूषित हो रही है, लेकिन जब से हिंदुस्तान के लोगों ने यह सुना है, इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने सुना है कि नरेंद्र भाई भारत के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, तब से इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास भी पक्का हो गया है कि जैसे गुजरात के साबरमती की सफाई उन्होंने कराई है और वहां के जल को निर्मल और अविरल बनाया है, वैसे ही हमारी गंगा को भी हरिद्वार से लेकर हावड़ा तक स्वच्छ और निर्मल और अविरल धारा बनाने में निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र भाई कामयाबी हासिल करेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। वाराणसी में उतरते ही नरेंद्र भाई और हमने जाकर बहनों भाइयों बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन प्राप्त किया है, उनसे हमने आशीर्वाद लिया। बाबा विश्वनाथ से हमने यह भी कहा है, आजादी हासिल हुए 67 वर्षों का समय गुजर गया है, हिंदुस्तान को आज तक विश्व की महाशक्ति बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की लंबे समय की हुकूमत के बावजूद हमारा यह हिंदुस्तान आज तक विश्व की महाशक्ति नहीं बन पाया है, बल्कि हिंदुस्तान दुनिया के गरीब देशों में इसकी गणना की जाती है, यह बना हुआ है। बाबा विश्वनाथ से जहां पर जन सामान्य के कल्याण की हम लोगों ने कामना की है, वहीं पर यह भी कहा है कि हे बाबा विश्वनाथ, आप इंसाफ की तलाश में आपके दरबार में हम आए हैं, जब तक यह भारत कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा, तब तक यह हमारा भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता है। बहनों भाइयों, वाराणसी की हालत यदि मैं देखता हूं तो सचमुच दिल को पीड़ा होती है। यदि तिरुपति का विकास हो सकता है तो विश्व की प्राचीनतम नगरी इस वाराणसी का विकास क्यों नहीं हो सकता है, यह बात हमारी समझ के परे है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, आज यहां पर 2 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार काम कर रही है। आपने देखा कैसे हालात इस उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए हैं। बहनों भाइयों, कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है, यहां पर सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं 150 से भी अधिक हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने कम समय में इतने सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं नहीं हुई होंगी। आज हमारे उत्तर प्रदेश का यह किसान भी तबाह हो गया है, उत्तर प्रदेश का नौजवान भी अपने मजबूत हाथों के लिए पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपनी योग्यता क्षमता प्रतिभा को विकसित करने के बाद अपने मजबूत हाथों के रोजगार की तलाश के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन यह सरकार उसको रोजगार भी नहीं दे पा रही है, बल्कि लैपटॉप का लाली पाप देकर उसे गुमराह करना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, हमारे इस उत्तर प्रदेश के स्वाभिमानी जवान को बहनों भाइयों बख्शीश नहीं चाहिए, हमारे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के जवान के हाथों को रोजगार चाहिए, यही चाहत है हिंदुस्तान के नौजवानों की। क्या हो रहा है इस देश में, इस प्रदेश में? बहनों भाइयों, यह समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, जवानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। यदि कर रही है तो आतंकवादी वारदातें वाराणसी सहित जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, आतंकवाद के आरोपियों को रिहा करने का काम कर रही है, 19 से अधिक आतंकवाद के आरोपियों को रिहा करने का काम किया। लेकिन मैं हाई कोर्ट को सचमुच बधाई देना चाहता हूं, उसके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं कि जिस हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के यह आतंकवाद के आरोप जिन लोगों के ऊपर लगे हैं उनके मुकदमे वापस लेने का जो निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उसे जो निरस्त किया है हाई कोर्ट ने, उस हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर में
सांप्रदायिक दंगा हुआ। और बहनों भाइयों, जो भी पीड़ित हैं उनको भी जो राहत दी जानी चाहिए वह राहत भी धर्म और मजहब के नाम पर दी जा रही है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कि उस उत्तर प्रदेश के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। बहनों भाइयों, प्रदेश की सुरक्षा के साथ यह समाजवादी पार्टी क्यों ऐसा क्रूर मजाक कर रही है, यह बात हमारी समझ के परे है। और मैं मुलायम सिंह जी से भी कहना चाहूंगा, मायावती जी से भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, राजनीति केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए बहनों भाइयों तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और आज ऐसी स्थिति जो यहां पर पैदा हुई है, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में यहां से लेकर वहां तक किसान नजर आ रहे हैं, जवान नजर आ रहे हैं, व्यापारी नजर आ रहे हैं। व्यापारी तो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, लेकिन किसानों की हालत कितनी बदतर हो गई है। मैं भी इसी क्षेत्र का किसान हूं, किसानों की बदहाली को मैं जानता हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसी धान की खरीद और गेहूं की खरीद उस समय हुई थी, मैंने सोचा था आगे आने वाली भी सरकार उसी प्रकार की धान और गेहूं की खरीद करेगी, यह नहीं कर पाई है। लेकिन आज मैं यहां के किसानों को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है, नरेंद्र भाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो किसानों की हालात को सुधारने के लिए, क्यों सुधारने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इस सच्चाई को कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी किसी एक पेशे में लगी हुई है तो वह किसानों की आबादी है जो कृषि पेशे में लगी हुई है। जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा यह हिंदुस्तान भी खुशहाल नहीं हो सकता है, इस सच्चाई को हम अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए आज मैं बतलाना चाहता हूं, भारत सरकार का कृषि मंत्री रहते हुए एक फार्मूला मैंने दिया था, उस फार्मूले का नाम है कृषि आमदनी बीमा योजना। बहनों भाइयों, जिस दिन सरकार बन जाएगी, एक साल के अंदर खेत की बुआई के पहले आपके खेत की आमदनी तय कर दी जाएगी। यदि आपकी उतनी फसल पैदा नहीं होती है, उतनी आमदनी नहीं होती है, उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। बेरोजगार नौजवानों के हाथों को कैसे अधिकतम रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। और इतना ही नहीं, महंगाई, भ्रष्टाचार, डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, उन्होंने महंगाई के बारे में आपके सामने चर्चा की है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कारण है जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तब तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगती है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है, फिर भी यहां की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर कांग्रेस की पार्टी की सरकार को केंद्र में समर्थन देने का काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, छह वर्षों तक इस देश में आप लोगों ने, हम लोगों की भी सरकार देखी है, कौन मां का लाल इस सच्चाई को नकार सकता है। आजाद भारत के इतिहास में लगातार छह वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की है तो भारत माता के सपूत का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने लगातार छह वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में सफलता प्राप्त की। भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार जल में भी, थल पर भी और नभ पर भी भ्रष्टाचार के एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी किसी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। काला धन निरंतर बढ़ता जा रहा है, काला धन पैदा ही न होने पाए इस हिंदुस्तान में, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और सरकार में कैसे अधिकतम पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी हम करेंगे।
लोकपाल बिल अभी पारित हुआ है। आप जानते हैं कांग्रेस उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई है कि श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो अन्ना हजारे को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय देना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में सुषमा जी और राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने जिस प्रभावी तरीके से अपने पक्ष को रखा है, उसी का परिणाम यह था बहनों भाइयों कि हमारा यह लोकपाल बिल जो काफी हद तक इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को कम कर पाएगा, वह बिल पारित होने में हमें कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि उल्टे ही यह कांग्रेस पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अब शब्दों का प्रयोग करती है, कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोर है, भारतीय जनता पार्टी चोर है, हिंदुस्तान के जिन राज्यों में भी हम सरकार चला रहे हैं पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी सरकार बनाने में कामयाबी यदि हासिल की है तो भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। नरेंद्र भाई भी गुजरात में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, यदि अच्छी सरकार न दिया होता, सुशासन न दिया होता, तो शायद गुजरात की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की जनता ने और हमारी राजस्थान में भी दूसरी बार यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की न बनी होती। भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें चल रही हैं उनमें सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो बहनों भाइयों वह भारतीय जनता पार्टी है। यह सारी दुनिया का राजनीतिक विश्लेषक इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा है। गरीबी की मैं क्या चर्चा करूं, गरीबों के गरीबी के साथ तो सचमुच कांग्रेस के लोग क्रूर मजाक कर रहे हैं। कहते हैं 12 रुपए में गरीब अपना पेट भर सकता है, 24 घंटे चैन से वह रह सकता है, कोई कहता है 5 रुपए में गरीब अपना पेट भर सकता है। यह गरीबों की गरीबी के साथ कांग्रेस क्रूर मजाक कर रही है, गरीबी भारत का अभिशाप है। और मैं कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई एक दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं, एक ऐसे नेता हैं जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं, यह खासियत उनके अंदर हम लोगों ने देखी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उन्हें पेश किया है। लेकिन ये कभी चोर कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं, कभी हम लोगों को जहरीला कहते हैं। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, चोर कहना चाहते हो तो कह लो, मौत का सौदागर कहना चाहते हो तो कह लो, जहरीली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हो तो कह दो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, व्यक्तिगत गाली जो दी जाएगी उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे सेना के जवानों पर यदि दुनिया की कोई देश आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे बहनों भाइयों, कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, पाकिस्तान के सेना के जवान आते हैं और हमारे सीमा में घुसकर हमारे सेना के जवानों की हत्या कर देते हैं, हत्या करने के बाद एक जवान का शव कुचल डालते हैं, इतना ही नहीं और एक हमारे नौजवान की हत्या करने के बाद सिर धड़ से अलग करके वह वापस चले जाते हैं और यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। चीन की चर्चा कर रहे थे हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी। बहनों भाइयों, चीन के साथ 23 अक्टूबर को इसी साल प्रधानमंत्री ने एक समझौता किया है कि यदि चीन की सेना भारत में आ जाए तो भारत की सेना उसे खदेड़ेगी नहीं बल्कि उससे आरजू मिन्नत करेगी कि तुम वापस चले जाओ। बराबर भारत के कई भूभागों पर चीन यह दावा कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सोनिया जी आपसे, पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कब तक यह हिंदुस्तान बर्दाश्त करता रहेगा? अरे हमारे सीमा की रक्षा करने वाले सेना के जवानों को कमजोर मत समझो सोनिया जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, एक बार हमारे सेना के जवानों को
खुला हाथ छोड़ दो। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ वह आंख उठाकर देखने की जरूरत कर सके। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराने में कामयाबी हासिल की है। 5 में 4 राज्यों में एक राज्य मिजोरम है। मिजोरम वहां कांग्रेस को सफलता मिल गई है, किसी तरह सफलता मिल गई है, लोकतंत्र में मिल गई है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जब कई नौजवान दौड़ते हैं तो जो पीछे रह जाता है, जिसको पुरस्कार नहीं मिलता है, उसको कंसोलेशन प्राइज दी जाती है, सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। तो इस देश की जनता ने कांग्रेस को एक सांत्वना पुरस्कार भी दे दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के केवल 8 विधायक चुनकर आए हैं। पिछली बार 43 विधायक कांग्रेस के चुनकर आए थे 70 में, इस बार केवल 8 विधायक चुनकर आए हैं। यानी एक सफारी में अथवा इनोवा में 8 विधायकों को बैठाकर दिल्ली की विधानसभा में भेजा जा सकता है। ऐसे हालात इसे हिंदुस्तान की जनता ने, दिल्ली की जनता ने पैदा कर दिए। बहनों भाइयों, ज्यादा कुछ न कहते हुए एक वचन देवे बदे तैयार हुआ जा कि नहीं, तो हाथ उठाओ। तैयार हुआ कहा हो, तैयार है कि नहीं, तैयार है? आज मैं एक ही अपील करके जाना चाहता हूं। 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की जनता यहां पर मौजूद है। बहनों भाइयों, मैं शीश झुकाकर जहां पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, वहीं पर यह भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप 14 के 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराइए। प्रत्याशी को मत देखिए, देखिए भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसे देखिए। और मैं कहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, 14 यदि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आपने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरा दी, तो 500 में 350 लोकसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।